दोस्तों आज बात करते हैं कि काफ़ी लोग असमंजस में हैं कि कोवैक्सीन लगवाई जाए या कोविशील्ड लगवाई जाए, कौन सी वैक्सीन बेहतर है, किस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, किस वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट कम है, किस वैक्सीन को लगवाने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, किस वैक्सीन में प्रॉब्लम हमें क्रिएट कम होंगी, किस में फीवर आता है, किस में फीवर नहीं आता है। तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब, दोस्तों मेरा नाम सीवी सिंह और बात करते हैं कि जो अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो दो वैक्सीन अपने यहाँ लगाई जा रही हैं, अब स्पुतनिक वी भी आ गई है अपने यहाँ, तो अभी जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं दोस्तों, हम चीज़ एक पहले सबसे पहले बताना चाह रहे हैं कि अगर वैक्सीन आप लगाने जा रहे हैं तो पहले आप अपना माइंड को बुक कीजिए कि हम प्रॉपर तैयार हैं, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइंड पहले सेट कीजिए। कुछ लोग क्या है कि माइंड सेट नहीं होता, 50 क्वेश्चन मन में रखते हैं और लगवा लेते हैं, उसके बाद फिर वो उनको हल्का सा भी लगेगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली, पहले वो माइंड को सेट नहीं कर पाते। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो अपने माइंड को पहले चेंज कीजिए। ये दोनों ही वैक्सीन बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ही केयरफुल, बहुत अच्छी है, दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों कोई सी भी वैक्सीन अगर आपको मिलती है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने पहला फर्स्ट डोज को वैक्सीन का लिया है तो आपको सेकंड डोज भी आपको को वैक्सीन का ही लेना है, क्योंकि कोवैक्सीन का जो टाइमिंग है वो भी आपको याद रखना है, 4 से 6 वीक्स में आपको सेकेंड डोज भी लेना है। जो हमारा कोविशील्ड का टाइमिंग है, अगर आपने फर्स्ट डोज कोविशील्ड का लिया है और सेकेंड भी, ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि कोविशील्ड का ही डोज का अपॉइंटमेंट लें, और उसमें जो टाइमिंग है वो 6 से 8 हफ्ते के अंदर, वीक्स के अंदर आप उस डोज को ले लें, क्योंकि ये आपको डिले नहीं करना है, क्योंकि ये आपका जब भी अपॉइंटमेंट होता है और इस टाइमिंग के बीच में आप अपना सेकेंड अपॉइंटमेंट, सेकेंड डोज अवश्य लें। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड या स्पुतनिक कोई सी भी आप वैक्सीन लगवा लेते हैं, लगवाने के बाद आप ये ध्यान मत भूल जाना कि मैंने वैक्सीन लगवा ली है, हम लापरवाही करेंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा अपना मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मेंटेन हैंड हाइजीन रखना है। दोस्तों मास्क हमेशा लगा के रखना है, आपकी भले ही दोनों वैक्सीन डोज लग गए हों, फिर भी आपको अभी फ़िलहाल जब तक ये अभी महामारी का दौर चल रहा है, 1 साल 2 साल जैसे जितना भी है, आपको ये सब बड़ा सेफ्टी रखनी है, मास्क रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हैंड हाइजीन रखना है। हम दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो कोविशील्ड है ये अपने इंडिया पुणे की बनी हुई है, सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ऑफ पुणे। दोस्तों जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो भी अपनी इंडिया की ही बनी हुई है, दोनों ही अपना अभी गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है, दोनों वैक्सीन अवेलेबल हैं, दोनों गवर्नमेंट से अप्रूव्ड वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि अगर आप इनको लगवा लेते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी। आपको हो सकता है बॉडी एक हो, मतलब बॉडी शरीर में दर्द हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में चलने फिरने में पेन हो, माइल्ड फीवर, आपको हल्का सा फीवर भी आ सकता है, और इसके साथ साथ जिस जगह पे इंजेक्शन लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है, हो सकता है वहाँ पर आपको दर्द हो, वीकनेस आपको हो सकती, फील हो सकती है 5-7 दिन। तो आप अपना खाने पीने पर दोस्तों बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग लगवाने के बाद भी लापरवाही करते हैं खाने पीने पर, टाइम टेबल ये सब अपना सलाद है ये सब कंटिन्यू, कम से कम 10 दिन अपना रूटीन में अच्छा रखना है खान पान का ध्यान। जब हमारी कोई भी वैक्सीन लगाई जाती है, अगर आपको कोई फीवर पहले आया था या अदर किसी बीमारी की आपकी मेडिसिन या दवाइयाँ चल रही हैं, तो फिर आपको प्लेलेट्स काउंट का एक टेस्ट ज़रूर उस टाइम पे कराना चाहिए, क्योंकि प्लेलेट्स काउंट्स कम नहीं होना चाहिए उस टाइम पे वैक्सीन के समय। और अगर किसी की मेजर किसी की बीमारियां चल रही हैं, या किसी की न्यूरोलॉजी की दवाइयां चल रही हैं, या किसी की किडनी की, या किसी की थायराइड की, या शुगर की, या अदर किसी बीमारी की अगर दवाइयाँ आपकी कंटिन्यू चल रही हैं,
तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी है एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि सर मुझे वैक्सीन लगवानी है और वैक्सीन हम लगवा सकते हैं, डोज मुझे कितना लेना है। तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जब जैसे डॉक्टर बताते हैं उसी रूटीन में आपको वैक्सीन लगवानी है। ये आपको दोस्तों एडवाइस ज़रूर लेनी है, क्योंकि बगैर एडवाइस के आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है। क्योंकि अगर किसी की बहुत ज़्यादा न्यूरो की ये सब मेडिसिन अगर चल रही है किडनी वगैरह की, तो एक बार कंसल्ट कर लो तो बहुत ही बेटर रहेगा। ये ध्यान रखना है, जिसको किसी भी मेडिसिन की एलर्जी है या कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या बच्चे हैं, तो अभी इनके लिए अभी ऐसा वो नहीं आया है, क्योंकि अभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को और बच्चों को हो सकता है अभी बाद में, अभी चल रहा है ट्रायल, तो वो भी वैक्सीन लग आएंगे वैसे ही, फिर उसके बाद लगवाना है। कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं, वो वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, वो उनको ये हो गया कि वैक्सीन लगवाने से उनको कुछ हो जाएगा। क्योंकि कहीं पर भी अगर कुछ किसी को हुआ है, किसी की डेथ हुई है, तो दोस्तों उनकी अदर किसी दवाइयों से या अदर किसी की बीमारी की वजह से हुई है। क्योंकि अभी तक जो वैक्सीनेशन की वजह से अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने ये नहीं बताया, ना अभी कुछ डिसाइड हुआ कि किसी वैक्सीन की वजह से किसी की मृत्यु हुई हो। क्योंकि दोनों ही या जितनी भी वैक्सीन्स हैं सारी वैक्सीन सेफ हैं। अगर किसी की कोई हार्ट की डिसीज की बीमारी है, या बहुत ज़्यादा उसका थायराइड है, या ब्लड शुगर है, या हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या किडनी की प्रॉब्लम है, या कोई नीरो की दवाइयाँ चल रही हैं, तो जिसकी कोई अगर बीमारी कोई दूसरी है, तो ज़्यादातर देखा गया कि उन्हीं पेशेंटों के जिसका बहुत ज़्यादा हाई डोज चल रहा था और वैक्सीनेशन होने के बाद, तो दोस्तों एक गलत फहमी हो गई है कि वैक्सीन से मृत्यु हुई है किसी की। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, वैक्सीन से किसी की भी अभी तक डेथ नहीं हुई है। जितनी भी डेथ वैक्सीन के बाद हुई हैं वो किसी न किसी अदर बीमारी की वजह से हुई हैं, या तो उनको हार्ट अटैक आ गया हो, या उन्हें कोई दूसरी अदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, एलर्जिक हो, कुछ भी अदर मेडिसिन या अदर बीमारी से हुई हैं। तो किसी को डरना नहीं है, सारी वैक्सीन बहुत ही सेफ हैं। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी आपको कहीं भी हॉस्पिटल्स में या कैंप के माध्यम से, अब तो बहुत जगह वैक्सीनेशन चल रहा है, तो आपको कहीं भी जैसे भी आपको मिलता है कि हमें वैक्सीन वहाँ उपलब्ध है, तो आप वो ऑनलाइन ऑफलाइन डायरेक्टली जैसे भी है आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। दोस्तों नमस्कार।